हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं अभी इनका इंतजार आ जाइए जी, आप भी खाना खा लीजिए। देखिए जी, हम ट्रेन के लिए टिकट ले रहे हैं। देखिए जी, देखिए जी, हम पहुँच गए। हम क्या करेंगे रिक्शा? देखिए जी, हम हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे जिंदवाल फैमिली ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वहाँ मेरठ। मेरठ में हमारी बुआ सास रहती हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, और दो बुआ सास हैं, दोनों वहीं पे रहती हैं मेरठ में। तो अभी मैं 15 दिन हो गए मैं उनको देखने गई थी, बड़ी वाली बुआ सास को। अब है छोटी वाली बुआ सास बीमार, तो मैं उनको देखने जा रही हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक हमारा ब्लॉग बनता है। हॉस्पिटल में वो अगर देखेंगे, अगर कोशिश करूँगी बनाने की बुआ सास को आपको दिखाने की, उनकी तबीयत कैसी है। पहले तो माहौल देखूँगी, माहौल कैसा है। फिर बहुत से बंदे यूँ कह देते हैं ना कि हम बीमार को देखने आए या वीडियो बनाने आए, तो इसीलिए देखती हूँ माहौल कैसा वहाँ का, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी इनका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, कुछ नहीं। तो मैं अभी इनका इंतजार कर रही हूँ, ये आए नहीं है, ये आएंगे और खाना खाएंगे तो हम निकल जाएंगे। अभी पूजा नहीं जाएगी क्योंकि धूप हो रही है, बच्चे अभी छोटे हैं और हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाना सही नहीं होता, क्योंकि हम घर तो अभी पता नहीं घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम खा लीजिए कोशिश करेंगे कि हम हॉस्पिटल से ही आ जाएं अपने घर वापस, क्योंकि बच्चों को धूप में ले जाना, ट्रेन में लाना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और वही है ना कि घर से एक जना देखी आए, ये इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन ये जा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि मम्मी भी बीमार रहती है, मम्मी भी नहीं जा सकती, तो हम दोनों ही जा सकते हैं। सागर ड्यूटी है, बाकी तीनों देवर ड्यूटी है। तो आप भी चलिए, आपको दिखाते हैं वहाँ कैसी तबीयत है हमारी बुआ जी। आप भी खाना खा लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ इनका, ये आने वाले हैं, मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, नहीं तो ये जल्दबाजी करेंगे, मुझे खाना नहीं खाने देंगे। और वो मैंने उनसे पूछा था, मैं आप खाना खाओगे ना के, तो उन्होंने बोला नहीं मेरी इच्छा नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इस वजह से उनका मन नहीं कर रहा खाना खाने का, तो मैं खा लेती हूँ फटाफट। वो कह रहे थे कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं रस्ते में से कुछ खा लूँगा या नारियल पानी वगैरह पी लूँगा, तो मैंने बोला ठीक है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मेरे को भूखा रहना पड़ेगा और मेरे को भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं मैं भूखा नहीं रह सकती। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी बोलो। मेरा भी मन है जाने का लेकिन मैं जा नहीं सकती। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी हाँ। जल्दी बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर हाँ, जाया करेंगे, जाया करेंगे, बहुत परेशान कर देते हैं बच्चे। हाँ, और हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाना ठीक भी नहीं है ना, घर जाते तो एक बार देखे जी, हम ट्रेन के लिए बैठ चुके हैं रिक्शे में और हमारी ट्रेन छूटने वाली है, देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती। कुछ नहीं मिलेगी तो बस से जाएंगे, अगर नहीं मिली तो बस से जाएंगे, मिल गई तो अच्छी बात है। देखो हम आ गए, यहाँ ट्रेन मिलती है हमारी, धूप हो रही है, सोई नहीं है, सोई राम। यार तुम कैसे करते हो इतनी धूप में काम? बस करता हूँ मेरी क्या, मेरी इधर से आ जाओ ना। अरे गिरा यार, गिर जाऊंगी मैं। ट्रेन आए तो मुझे पकड़ लेना तेज की। चलो ये टिकट ले रहे हैं, ट्रेन भी पता कर रहे हैं। निकल गई कितने देर में? दो दिन। मेरठ बाल वाले स्टेशन कौन सा? जो बाल वाला पड़ता है कैंट से किया, हाँ कैंट में देना पड़ता दो। आने वाली है, जल्दी करो कहीं टिकट भी ले लो और बस में ही ना बैठ, ट्रेन में ही ना बैठ पाए। किसके? मैं तो वापिस चली जाऊंगी, मुझे तो घर का एड्रेस पता है। हम दोनों इसमें ना चलो चलो भाग के।
जल्दी आ जाओ, ट्रेन आने वाली है, छूट जाएगी तो फिर पैसे भी जाएंगे। ट्रेन आ गई, तेरे में टक्कर मारेगी मेरी, छोड़। सुबह सुबह बोल लो, एक लौती तो बीवी हूँ तुम्हारी। चल तो सुबह बोल लो, तू ट्रेन में। ट्रेन में बैठ चुके हैं, गर्मी हो रही है यहाँ पे, कुछ खाया भी नहीं है। ड्यूटी से आके सीधा मेरे साथ आ गए, कह रहे रस्ते में भूख लगी, भूख लगी। अभी कितना टाइम? सही चले। बड़े तो हमें देखना पड़ता है ना, है ना? हम बड़े हैं तो हमें देखना पड़ता है। देखिए कि हम पहुंच गए हैं, हमारी ट्रेन उतरने रुकने वाली है, हम उतरने वाले हैं। देखिए, और इनकी आंख में पता नहीं क्या गिर गया है, इनकी आंख में पता नहीं क्या गिर गया, परेशान हो रहा है बहुत देर से। अब आराम है? नहीं है। मुंह धो लेना है, मुंह धो लेना, ज़्यादा परेशानी हो रही है इनको। देखिए जी, हम उतर गए हैं और हमारी ट्रेन जा रही है। ये कौन सा स्टेशन है? मेरठ का। नाम क्या है, नाम क्या है स्टेशन का? मेरठ का स्टेशन है भाई, मुझे भी नहीं पता। मेरठ कैंट। तो हम पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे? रिक्शा। अब हम रिक्शा करेंगे यहाँ से, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे बुआ को देखने। देखते हैं वहाँ पे आपको दिखा पाएंगे या नहीं। आप पहले पानी पी लें। हाँ, पहले पानी पी लें, क्योंकि पूरे वहाँ पे रास्ते में पानी नहीं मिला, बहुत तेज प्यास लग रही है, इनकी तबीयत सही नहीं है। पानी ले रहे, बहुत तेज प्यास लग रही है हमें। रिक्शा भी नहीं दिख रहा। देखिए जी, हम बुआ जी से तो मिल लिए, लेकिन वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाए हॉस्पिटल में, क्योंकि बुआ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। ये दीदी है जो शादी में आपको मिली थी, दिखाया था, ये मिली है। अभी हमें छोड़ने जा रही हैं, कह रही है मैं चल रही हूँ, चलो छोड़ के आती हूँ। तो चल, अब घर के लिए निकल चुके हैं, आपको हम अब घर पे मिलेंगे। देखिए जी, हम निकल चुके हैं बुआ जी के घर से। तो अब हम, इन्होंने कहा है कि जब हम आए इतनी दूर मेरठ, तो अब बड़ी बुआ के घर भी चलते रहे, उनकी भी तबीयत खराब थी जब तो वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब घर आ गई हैं, तो उनको भी देखते हुए चलते हैं। तो अब इन्होंने अभी बताया कि अब बड़ी बुआ के घर भी जा रहे हैं हम। तो चलो, जब इतनी दूर आए तो दोनों बुआ से मिल लेते हैं, है ना? बिल्कुल। ये जलजीरा पानी पी रहे, ज़्यादा खट्टा मत पीना आपको। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे के बना रहे, कि तुम्हें शर्म आ रही है? आराम से, आराम से। दे देना 50 रुपये।
मेरे जो ये चप्पल काट रही है बहुत ज़्यादा छाला छाला हो गया मेरे, तो मेरे को दुकान दी के मैंने वाला एक चप्पल दिला दो मेरे को पहनने के लिए। चलो वैसे 50 रुपये। तो आप पन्नी में क्यों पैक करा रहे हो? पन्नी में ये वाली रख लेती हूँ ना मैं, और ये पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, चप्पल काट रही है मेरे पूरी तरीके से। भाई खुले हैं पैसे? ये घर में भी काम आ जाएंगे ना मेरे। भाई पैसे हैं खुले? भाई खुले पैसे हैं क्या? मेरे घर में भी काम आ जाएगी। अरे भाई ये मेरे बहुत काट रही है, छाला सा हो गया है? छाला सा हो गया पैर में भाई। घर आ चुके हैं, 11:30 बजे रात के 11:30 हो गए, और ना हम आपको बड़ी बुआ दिखा पाए ना हम आपको छोटी बुआ दिखा पाए। वो हमने इसलिए नहीं दिखाया ना, वो थोड़ा सा गुस्सा तो नहीं करती, हमें ऐसा लग रहा है कहीं बुरा ना मानने लगे कि बीमार को देखने आई है। ये वीडियो बनाने खरीद के लाई हूँ, मेरे पैर कटने लग गए चप्पल से, मेरे पैर वो चीज मच रही, फिर इन्होंने चप्पल दिलाई ना। तो जी हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पूजा पानी लेके आई है पूजा सेवा पानी में लग रही है, पानी लेके आई है, बस अब नहीं है हिम्मत आगे ब्लॉग बनाने की, तो बहुत थक गए पानी। बाय जी।